हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। 29 को हमारी एनिवर्सरी थी, 8वीं सालगिरह, 8 साल हो गए शादी के। और आप लोग की प्यारी प्यारी विशेस के साथ में, वॉर्म विशेस के साथ में हमने सेलिब्रेट किया इसे। सुबह में कुछ स्पेशल सा बनाया था घर पे, और फिर शाम को हम लोग गए पीएम मॉल एज़ यूज़ुअल। तो पीएम मॉल का एक एक कोना आप लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि यूजुअली कोई भी ओकेज़न होता है तो बच्चों का भी मन लगता है पीएम मॉल में। तो हम लोग क्या करते हैं कि पीएम मॉल लेके चले जाते हैं, और वहीं पे कुछ खाए पिए, एंजॉय किए, और बहुत सारी शॉपिंग भी की है। तो ऐसे कुछ रहा हमारा सेलिब्रेशन। फ्रेंड, शादी ना बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। अगर शादी अच्छे से हो गई तो पूरी ज़िंदगी बन जाती है, और अच्छा जीवन साथी ना मिला तो पूरी ज़िंदगी तहस नहस भी हो सकती है। और इसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों की, और दोनों को एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए, एक दूसरे के नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में समझना चाहिए। मैंने इस पर बहुत पहले भी बात की है, वीडियोस बनाए हैं, और फिर से मैं कहना चाहूँगी कि जो लड़की और लड़के का, दोनों का नेचर एकदम डिफरेंट होता है। हम लड़कियां जहाँ पे बात को शेयर करना पसंद करती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें लगता है कि कोई हमारी बात को सुन ले, और बिना कुछ उसमें अपना स्पेशल कमेंट किए, बिना सजेशन दिए, वो बस सुन ले हमारी बात को। और जेंट्स का क्या होता है कि वो जो प्रॉब्लम में होते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड का भी है कि जब इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो एकदम शांत हो जाते हैं, और जब वो सॉल्व आउट कर लेते हैं प्रॉब्लम को तो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तो थोड़ा स्पेस देना चाहिए उस टाइम पर, और बहुत तंग नहीं करना चाहिए, पीछे पीछे नहीं लगना चाहिए कि क्या हुआ, क्यों चुप हो, कोई दिक्कत है क्या, परेशानी है क्या, नॉर्मल सा पूछ लो, लेकिन एकदम से पीछे नहीं लगना चाहिए। और भाई, हमारा तो मन होता है कि हमारे मन में जो है बस कोई चुपचाप उसको बैठ कर सुन ले, और फिर हम शांत हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोग के बहुत सारे सपने होते हैं, इवन सभी के होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर के, लेकिन थोड़ी थोड़ी ना समझे की वजह से ना जाने क्यों दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। मेनली मैं लड़कियों के बारे में कहना चाहूँगी कि वो ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे हस्बैंड को रखती हैं, मतलब उनके लिए वो जो बाय बर्थ जो रिश्ते थे वो भी कम हो जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा हस्बैंड को प्रायोरिटी में रखती हैं और उनकी फैमिली पे ही ध्यान देती हैं। लेकिन हस्बैंड का क्या होता है कि वो फैमिली, माता पिता, भाई बहन और बच्चों के बाद में, ज़्यादातर लोग सबसे बाद में वाइफ को प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं, तो ये गलत बात है। आप एक बार उसको उसकी तरह, जितने शिद्दत से उसने आपको वैल्यू दी है, आपको माना है, उसको भी मान के देखिए, आपसे कहीं ज़्यादा वो आपकी फैमिली की केयर करेगी। तो थोड़ी सी समझदारी दिखानी होती है कि हस्बैंड को भी चाहिए कि वो अपनी वाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे। तो वो वाइफ ना इतना तो समझदारी होती है कि वो फिर पूरी फैमिली को इतना अच्छे से मैनेज करके चलेगी कि वो आप कभी कर ही नहीं सकते, ना तो सोच सकते हैं। आजकल हम में से ज़्यादातर लेडीज़ वर्किंग हैं और वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं, तो जाहिर सी बात है शादी वो कभी भी इसलिए नहीं करती कि उनको एक फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, बल्कि इसलिए होता है कि लव केयर और एक सेफ जोन मिलता है, सिक्योरिटी से फील होती है। तो शादी के बाद अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ों का हस्बैंड वाइफ दोनों ध्यान रखें तो मैरिड लाइफ कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अपने रिश्ते को लगातार बेहतर बनाए रखने के लिए और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमें चाहिए कि एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और एक दूसरे की पसंद की चीज़ों में अपना भी इंटरेस्ट दिखाएं, और आउटडोर गेम्स खेलें या वॉक पे निकल जाएं, साथ में बस थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। और हाँ, उस टाइम पे फैमिली की बातें नहीं लेके बैठना है, किसी की शिकायतें नहीं लेके बैठना है, हमें अपने बारे में बात करनी है, खुद के बारे में बात करनी है, खुद के गोल्स, एम्बिशंस या सामने वाले की
क्या अपेक्षाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, इन सब पे थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए, या फिर ऐसे ही साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि हमें अपनी अपनी इच्छाओं से ज़्यादा एक दूसरे की इच्छाओं का ख्याल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो रिश्ता अपने आप ही मजबूत होता चला जाएगा। मैं अपनी बात करूँ कि तो हम दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और भगवान करे ये हमेशा बनी रहे, हमारा रिश्ता हमेशा और भी ज़्यादा मजबूत होता चला जाए। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।